नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भारी अंतर से चुनाव हरा दिया है। दोस्तों बताएंगे आपको, लगभग विधानसभा सीटों की तरह होने वाले लद्दाख हिल काउंसिल डेवलपमेंट के चुनाव के अंदर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों विस्तार से चलेंगे एक एक करके सभी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश भर के अंदर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, और अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटे को दबाकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को जहां पर एक और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली को नहीं हटाया गया। दोस्तों यानी विधानसभा जम्मू कश्मीर में आज भी है, और विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर दिसंबर को हो सकते हैं। और ऐसे में अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो लद्दाख से जुड़ी हुई है, जिसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित तो किया गया था, लेकिन उसमें विधानसभा नहीं बनाया गया था। यानी लद्दाख के अंदर केंद्र सरकार अपने कानून चलाएगी और स्थानीय स्तर पर कानून बनाने का अधिकार होगा लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट का, यानी एक तरीके की विधानसभा इसे कह सकते हैं आप दोस्तों लद्दाख के अंदर। और यहीं से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है, इस खबर की माने तो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की सीट तिमसगाम सीट पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका देकर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार ने बड़े अंतर से चुनाव जीत लिया है। दोस्तों कुल मिलाकर 1460 वोट डाले गए थे, कांग्रेस पार्टी के खाते में 861 वोट गए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 588 सीटें और नोटा को 14 सीटें मिली है। 26 सीटों में से पिछले ऑटोनोमस काउंसिल के इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला था 2020 में, लेकिन अब बाई इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से समीकरण पलट दी है। दोस्तों आपको बता दें कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा काउंसिलर की मौत के बाद खाली हुई थी, और यहां पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। यहां तक कि बीजेपी कह रही थी कि उनके तो यहां से एमपी है, यानी लद्दाख से एमपी है जमयांग नामग्याल, जिनके कारण आसानी से चुनाव जीता जा सकता है। और जिसके साथ में बीजेपी के और भी सीनियर लीडर हैं जो यहीं से आते हैं, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी चुनाव के अंदर जीत हासिल करने के लिए। दोस्तों लेकिन कांग्रेस पार्टी को आखिरकार जनता ने समर्थन दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ठेंगा दिखाया गया है। ऐसे में ये बात तय हो गई है कि लद्दाख के अंदर विधानसभा नहीं है, तो सबसे ज्यादा चर्चित अगर कुछ होगा तो वो ऑटोनोमस हिल इलेक्शन होंगे। और इस तरीके के सीटों पर जीतने का सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी विधानसभा के उपचुनाव जीत लिए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।